Hey, what's up everyone? Welcome back to the channel once again. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप खो खो गेम को प्ले कर सकते हैं। आप बिगिनर्स हैं और आपको नहीं पता है कि गेम जो है कैसे प्ले किया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में बेसिक से बेसिक स्टेप को जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर गेम की शुरुआत जो है एक लंबी विसल के साथ होती है और इसके बाद जो है गेम हमारा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके रनर जो है कि थ्री पहले जो प्ले करते हैं, देन उसके बाद जो उनके तीन बैचेस बने होते हैं उसमें वो खड़े रहते हैं। टोटल मिला के 9 प्लेयर जो हैं रन करते हैं और 9 प्लेयर ही आपको चेजिंग करते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो अभी जो है विसल के साथ गेम स्टार्ट हो चुका है। बाकी फर्दर डिटेल अगर चाहिए अगर हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारे रूल्स जो हैं वो मैंने बताए हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। इस गेम को प्ले करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको आपकी इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों ही चाहिए होती है। इंड्योरेंस इसलिए क्योंकि ये जो गेम होता है ये बहुत फास्ट गेम होता है, इसमें आपको एक सेकेंड उठना होता है और एक सेकेंड में ही दौड़ना होता है। मतलब जैसे ही आपको खो मिला वैसे ही आपको दौड़ना है, और रनर का काम फिलहाल यही है कि उसको दौड़ना ही है कंटिन्यूसली। इसमें आप टारगेट भी कर आप इसमें टारगेट भी होते हो, तो इसलिए आपको और तेज़ी से और दौड़ना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, और ये गेम जो है बहुत फास्ट गेम है कि इसमें खो तेज़ी से पास करना होता है, क्योंकि इसमें सारे बच्चे जो होते हैं अल्टरनेट फेसेस करके बैठे होते हैं। और इसमें बाउंडेशन एक ये होती है इसमें कि आप टर्निंग पॉइंट अब नहीं ले सकते हो, जिसको हम डायरेक्शन बोलते हैं। और डायरेक्शन का सबसे बड़ा विड्रॉ यही होता है या इसका ड्रॉबैक यही होता है कि आप जो है इसको पीछे मुड़ के नहीं दे सकते और पीछे की तरफ जा भी नहीं सकते हो। तो ये गेम हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही खेलना है। देन उसको खेलने के लिए और आप एक दूसरे के साथ आप खो पास भी कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सारे बच्चे जो है आपस में खो पास कर रहे हैं चेन पास के थ्रू। अगर आप आपके बगल में बैठे हुए प्लेयर हैं आप उसको तेज़ी से पास करते हुए जा रहे हैं तो उसको चेन पास बोलते हैं, और नहीं तो आपको सीधा पोल पर जाकर टर्न लेना हो सकता है, क्योंकि जिसमें कि टाइम वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें वो सेव करने के लिए हम सिंपली चेन पास करते हैं। देखिए, ज़्यादा खो खो की बात करी जाए जिसमें कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी चेजिंग होती है और एक आपकी रनिंग होती है। तो रनिंग देखिए क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर एक एरिया में ही मूव करना है बिना किसी से टच हुए। और चेजर की बात जहाँ तक बात करें चेजिंग की, तो क्योंकि चेजिंग जो है एक ऐसी बहुत ऐसी स्किल्स होती है जिसमें कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को भी और रेफरी को भी, क्योंकि सडन मोमेंट में ऐसे ऐसे कुछ फाउल हो जाते हैं जो कि चेंज एट ए टाइम हो जाते हैं, तो जिनको देखने के लिए रेफरी को अपना 100% देना होता है। अगर नहीं देते हैं इनकेस कोई अगर आउट हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं चेजिंग कर रहे हैं, चेजिंग करने के बाद डायरेक्शन का यूज़ कर रहे हैं और फिर चेन पास कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि इनका जो गेम है कितना फास्ट गेम चल रहा है। और ध्यान रखने वाली इसमें बात एक चीज़ और होती है, इसमें आपको टारगेट को लॉक करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्लेयर को यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं और छूने लगें किसी को भी, अगर ऐसा करेंगे आप तो जो आपका टारगेट प्लेयर जो पहले था वो रेस्ट करने पर चला जाएगा, क्योंकि रेस्ट ले लेगा वो, तो जो थक गया है आपको उसी को ही टारगेट लेना है, क्योंकि वो इसमें आपको आसानी से आउट कर सकते हो आप उसको। अदरवाइज आप ऐसे पूरा गेम खेलते रह जाएंगे तो आप किसी को भी आउट नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप किसी न किसी टारगेट को लेके चलें, अगर आप टारगेट को लेके अगर नहीं चलते हैं तो आउट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सिंपली देखिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि देख लीजिए आपको एक तो जब चेजिंग कर रहे होते हैं तो फिलहाल अभी बेसिक रूल समझ लीजिए चेजिंग के बारे में,
कि अगर आप बैठ गए हैं, बैठने के पहले तो सिटिंग पोजीशन जो थी सही रखिएगा, दोनों पैर जो है सिटिंग ब्लॉक के अंदर रहना चाहिए और दोनों आपके हाथ जो होते हैं वो सिटिंग ब्लॉक के बाहर होने चाहिए और आपके सामने जो लॉबी जा रही होती है उसमें हाथ नहीं रखना है, उसके बाहर आउटसाइड की तरफ ही रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, जब आप खो मिलता है या फिर उठते हैं तो जब तक प्रॉपर आपको खो ना मिले तब तक आपको नहीं उठना है, अर्ली खो में वेकअप नहीं करना है, नहीं उठना है, नहीं तो फाउल हो जाएगा और आपको खो प्रॉपर खो बोलना है और आपका पैर जो है उसके पीछे होना चाहिए। और उसके बाद जब आप उठते हो तो आपको डायरेक्शन लॉक करना है कि अगर राइट साइड जा रहे हो तो राइट साइड जाइए, लेफ्ट साइड जा रहे हो तो लेफ्ट साइड जाइए। अगर आप यहाँ से वहाँ मूव करेंगे तो उसमें आपके फाउल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप फाउल कर देते हैं और किसी प्लेयर को चेस कर रहे हैं और उसको टच भी कर ले रहे हैं तो वो आउट नहीं माना जाता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। और उसमें फाउल की विसल होती रहेगी और आपको फाउल होने की कंडीशन तुरंत आपको बैक जाकर खो पास कर देना है जिससे कि आपका फाउल जो है वो कन्वर्ट हो जाए। और इस फाउल को हम माइनस भी बोलते हैं कि माइनस करो, माइनस फाउल हुआ है, माइनस बोलते हैं इसको, तो आपको माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप खो पास करेंगे तो वैसे ही आपका फाउल जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि आपको डोजिंग की प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। डोजिंग क्या होती है, जैसे चकमा देना, जैसे कि आप मान के चलिए आपने अचानक से स्पीड डाउन की तेजी से बढ़ा दी या फिर आप आगे की तरफ दौड़ रहे हो बट आगे ना दौड़ के आपने खो पास कर दिया। तो जैसे आपने कभी बचपन में पकड़म पकड़ाई या फिर बर्फ पानी खेला अगर होगा तो जैसे ये पकड़ने के लिए स्ट्रेटजी अपनाते थे वैसे ही इस गेम में भी करना है आपको। तो जिससे कि आपकी जो कह सकते हैं टेक्निकली आउट करने की कैपेसिटी या फिर आपका इंटेलिजेंस वर्क वो और इम्प्रूव हो जाएगा, तो जिससे आपकी चेजिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी भी आप टारगेट को छूने के लिए उठते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा फाउल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी में ही होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है, एक सडन आगे करता है, सडन चेंज कर लेता है। तो बेटर है कि आप लॉबी का यूज़ करो, तो लॉबी का यूज़ करेंगे तो आपको फाउल होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अरे एक पे फोकस कर रहे हो, अच्छी बात है। और इसी के साथ आपको जो रनर की जो प्रैक्टिस होती है, देखिए रनर क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही मूव करता है और उस एरिया से उसको बाहर करना है या फिर टच करना है, देखिए ये सबसे ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी बनाते हैं। देखिए स्ट्रेटजी तब बनती है जब आप थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करेंगे और माइंड अपना यूज करिए और देखते रहिए कि हम कैसे उसको आउट कर सकते हैं। और रनर के लिए तो सबसे पहला यही पॉइंट है कि उस पूरे एरिया मूव करना है, वो कहीं भी किधर भी मूव कर सकता है, डजंट मैटर कि वो कहीं जा रहा है, बस ध्यान रखे रनर भी, क्योंकि रनिंग करते समय जो है वो अपने ग्राउंड से कॉन्टैक्ट अगर छोड़ देता है तो वो ऑटोमेटिकली वो आउट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखे रनर भी। और एक पैर भी अगर ग्राउंड के अंदर है तो वो सेव है, अगर दोनों ही पैर से अगर बाहर चला जाता है तो वो सेल्फ आउट माना जाएगा और पॉइंट जो है अपने अपोनेंट टीम को देखे जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। बाकी और गेम्स में बहुत सारी टेक्निकल और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिलहाल वो आपको समझने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, अभी स्टार्ट करिए आप गेम को, धीरे धीरे जैसे जैसे आप गेम खेलते जाएंगे वैसे वैसे आपको रूल्स के बारे में पता होते जाएंगे। और रूल्स और रेगुलेशन को और समझना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप एक एक करके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। और भी फिर भी और कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जाकर करिएगा तो रिप्लाई आपको दिया जाएगा। वैसे तो ये गेम बहुत अच्छा गेम है, अब ये जो है नेशनल लेवल से भी आगे बढ़ने की तैयारी में है, ये अभी तक फिलहाल ये नेशनल लेवल पर ही खेला जा रहा है, कोशिश हो रही है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाया जाए, जबकि काफ़ी अच्छा है। देखिए इस गेम में क्या है, आपकी रनिंग की, आपकी स्ट्रेंथ की, आपकी एंड्योरेंस की, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की, एवरीथिंग इसमें जो है सबको यूज़ हो रहा है। देखिए एक तो रनिंग यूज़ होती है आपकी, एक तो आपकी कबड्डी की जो स्टेप्स होते हैं वो हो जाते हैं, डाइव की प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब मैनिंग हो रहा है। जब आप इस गेम को खेलेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये गेम खेलने में, तो इन्जॉय करिए। और बाकी के बच्चों के गेम जो है भाई, हालांकि बच्चों के गेम वगैरह जो है अभी और स्टार्ट हो चुके हैं अपने अपने स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, एंजॉय करिए गेम को। और अगर कोई अगर इंक्वायरी अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा और रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।